देखिए आज हमने कलाकंद बनाई है, ये गुलाब दूध से बनाई है, देखिए कितनी टेस्टी बनी है हमारी। और ये देखो कितना इसका रंग कितना अच्छा, ये बिल्कुल सॉफ्टनेस है आप देख सकते हैं। देखिए हम आपको तोड़ के दिखाते हैं, देखिए कितनी मुलायम है, सॉफ्ट बनी है बिल्कुल। आप इस तरह से बनाकर एक बार ज़रूर खाइएगा, देखिए कैसे बनाते हैं हम, हमारी रेसिपी देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, कंसल रसोई में आपका स्वागत है। देखिए आज हम आपको कलाकंद बनाकर दिखाएंगे बिल्कुल नए तरीके से। कलाकंद तो आपने बहुत खाई होगी, बिल्कुल नए तरीके से बनाएंगे सिर्फ एक गिलास दूध से। देखिए हमने एक गिलास दूध ले लिया है, हमने कढ़ाई रख दी है, इसमें एक गिलास दूध डाल दिया और दूध को उबाल लगाएंगे हम। ये फुट पैर मिल्क दूध है हमारा, देखिए दूध में हमारा अच्छे से उबाल आ गया है, देख सकते हैं आप कितना अच्छा उबाल आ रहा है। और इसमें हम चीनी ऐड करेंगे, देखिए आधी कटोरी चीनी डालेंगे हम इसमें। आप अपने हिसाब से चीनी डाल सकते हैं कि आप कम खाते हैं या ज़्यादा खाते हैं, आपको स्वीट में कितनी पसंद है। हम चीनी घुलने तक चलाते चलाएंगे, दूध को पकाएंगे, चीनी घुल जाएगी हमारी। देखिए चीनी हमारी घुल गई अच्छे से, देखिए बिल्कुल घुल गई है, खूब उबाल आ रहे हैं। हमें बिल्कुल इस तरह से रखना है। अब हम इसमें दूध चीज डालेंगे, ये हमने 3 चम्मच सूजी ले ली है, इसमें सूजी ऐड करेंगे, इससे हमारी कलाकंद बहुत अच्छी बनेगी, दानेदार बनेगी बिल्कुल। देखिए इसे हम चलाएंगे और इसे क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी और दानेदार बनेगा हमारा कलाकंद भी। मीठास में कलाकंद में थोड़ा हल्का ही रहता है, आपने बाजार में खाया होगा, थोड़ा मीडियम ही रखते हैं। और हम इसे चलाएंगे, देखिए हमारा दूध गाढ़ा हो गया है। वो इसमें हम इलायची पाउडर डालेंगे, आधी चम्मच इलायची पाउडर डाल देंगे हम, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है कलाकंद का, देख सकते हैं कितना कलर अच्छा आ गया है। अब इसमें हम आधा नींबू ऐड करेंगे, देखिए ये हमने रस निकाल लिया है, ये 2-1 छोटी चम्मच है रस हमारा, इसे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, इससे हमारी कलाकंद दानेदार बनेगी। डालते रहेंगे, अच्छा ला देंगे इस तरह से। देखिए कितना गाढ़ा हो गया है। देखिए ये मिल्क पाउडर है हमारा आधी कटोरी, हम इसको भी ऐड करेंगे इसमें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और हमारी ये चीज सब गाढ़ा हो जाएगा और मिल्क हमारी ये बहुत अच्छी बन जाएगी मिठाई भी हमारी कलाकंद। देखिए हमारा मिल्क पाउडर भी मिक्स हो गया है और देखिए हम अच्छे से चलाते रहेंगे जब तक हमारे कढ़ाई में छोड़ नहीं देता है, ये इस तरह से लगातार चलाते रहेंगे गैस धीमी पे। अगर आप सिल्वर की कढ़ाई में बना रहे हैं तो आप 1 चम्मच घी भी ऐड कर सकते हैं इसमें, नॉन स्टिक की में बना रहे हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है। देखिए 1 चम्मच घी डाल देंगे हम, देखिए 1 चम्मच घी डाल दिया है हमने। आपका चिपकेगा नहीं, नॉन स्टिक की में आपको जरूरत नहीं है 1 चम्मच भी घी डालने की। देखिए हमारा बनकर तैयार हो गया है और हम गैस बंद कर देंगे और अपना जमा आएंगे हम 1 प्लेट में। देखिए गरम गरम को हम निकाल लेंगे, ये हम एल्यूमिनियम सिल्वर पेपर है, हम इस पे निकाल लेंगे। देखिए प्रेशर रोल कर लेंगे गरम गरम को ही, देखिए ठंडा होके टेढ़ा हो जाएगा ये। और उसको हम थोड़े से पिस्ते लगा देंगे, देखिए पिस्ते और बादाम हमने काट लिए बारीक बारीक, हम इस पर लगा देंगे। अभी हमारा बहुत गर्म हो रहा है, देखिए कितनी अच्छी हम तरह से हमारी कलाकंद तैयार हो गई है, कितनी बढ़िया लग रही है, दानेदार बिल्कुल। और मुझे ठंडा करेंगे पंखे में रख के, फिर हम आपको कट करके दिखाएंगे। देखिए हमारी कलाकंद ठंडी ठंडी हो गई है और देखिए कितनी सुंदर लग रही है जमकर, और देखो कितनी अच्छी तैयार हो गई है, हम इसे कट करके दिखाएंगे। देखिए इस तरह से हम छोटे छोटे पीस निकालेंगे,
देखिए कितने छोटे पीस बढ़िया निकल रहे हैं हमारे। कितनी सॉफ्ट बनी है, आप कितने मोटे कितने बड़े निकाल सकते हैं पीस। ये बहुत इजी बन जाती है, बहुत जल्दी बन जाती है। एक बार बनाएंगे तो बार बार खाएंगे, बच्चे बार बार बनवाएंगे आपसे कहकर। हमारी कलाकंद कितने अच्छे से बनके तैयार हो गई है। एक गिलास दूध से बनाई है हमने, आप बाजार से लाएंगे तो कितनी महंगी आएगी। और देखिए हमारे घर पर ही बनकर तैयार हो गई है, साफ हाथों की कि अपने हाथों से कि हमने कैसे क्या डाला है इसमें। और देखिए आपको अगर अच्छी लगी है तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा और देखिएगा हमारी कैसी बनी है। हमारी वीडियो शेयर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।